नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कोटक बैंक के एट वन वन डिजिटल बैंक सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस फ्रॉम फर्स्ट अगस्त 2020 के बारे में तो इसमें हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस डेबिट कार्ड एटीएम एनईएफटी आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है

ब्रांच में जाके करते हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो यहाँ पे एन के लिए अपू टेन तो थाउजेंड टू रुपीज पे करने होंगे टेन थाउजेंड टू वन लाख फोर रुपीज पे करने होंगे और वन लैख टू टू लैख के बीच में अगर आप एन करते हो तो फोर्टीन रुपीज पे करने होंगे और अगर एन की वैल्यू टू लैख से भी अबव है तो आपको ट्वेंटी फोर रुपीज पे करने होंगे तो आर के लिए टू लैख टू फाइव लाख ट्वेंटी रुपीज चार्ज है और फाइव लाख के अबव फोर्टी रुपीज चार्ज पे करना होगा अगर आप यू पी आई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ट्वेंटी यूपीआई फंड ट्रांसफर पर मंथ इसके लिए जीरो चार्जेस है और उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन uh, यू करते हैं तो आपको टू पॉइंट फाइव प्लस जी एस टी फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू लेस देन वन थाउजेंड और रुपीज फाइव प्लस जी एस टी फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू वन थाउजेंड ये चार्जेस है अगर आप मर्चेंट पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग बिल पेमेंट करते हो यूपीआई से तो यहाँ पे जीरो चार्जेस है तो अब हम देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा फॉर फर्स्ट ट्रांजे वन ट्रांजेक्शन और टेन थाउजेंड पर मंथ इसमें जो भी पहला होगा उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं है ये अप्लीकेबल है कैश एंड कैश डिपॉजिट के लिए एंड कैश विड्रॉल के लिए और अगर आप इस लिमिट के बाहर जाते हैं तो आपको थ्री पॉइंट फाइव रुपीज़ पर टेन थाउजेंड रुपीज़ के हिसाब से चार्ज लगेगा मिनिमम आपको फिफ्टी रुपीज पे करने होंगे तो उसके बाद एट वन वन सिलेक्ट कस्टमर्स के लिए कोई भी चार्ज आ, फोर फोर ट्रांजेक्शन और वन लैख पर मंथ के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है और उ, उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको थ्री पॉइंट फाइव रुपीज पर टेन पर वन थाउजेंड रुपीज और मिनिमम वन फिफ्टी रुपीज़ पे करने होंगे डेबिट कार्ड ए कार्ड के आ, आप यूज़ करते हैं तो अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे फ्री है आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना तो उसके बाद हम डेबिट कार्ड चार्जेस देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हैं तो एनुअल फी और रिप्लेसमेंट के लिए आपको वन नाइनटी पर एन पे करने होंगे ये फिजिकल डेबिट कार्ड है वर्चुअल के लिए आपको फ्री मिलेगा और यहाँ पे अगर आप कोटक बैंक ए लेते हैं तो आपको फाइव ट्रांजेक्शन पर मंथ आपको फ्री है उसके बाद आपको फाइनेंशियल uh, ट्रांजेक्शन के लिए ट्वेंटी रुपीज पे करने होंगे और नो चार्ज फॉर फाइने नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ पे अदर डोमेस्टिक एटीएम मतलब एटीएम मतलब कोटक बैंक के एटीएम छोड़कर बाकी के एटीएम से वहां पे चार्जेस हम देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइव ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं देने पड़े, पड़ेगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मिला के और अगर यहाँ पे एक कंडीशन है आप मैक्सिमम थ्री ट्रांजेक्शन कर फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो फॉर सिक्स सिटीज़ मुंबई न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता बेंगलुरु एंड हैदराबाद बाकी के सिटी के लिए पांच ट्रांजेक्शन फ्री है और उसके बाद आपको ट्वेंटी रुपीज़ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एट पे करने होंगे तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट इंटरनेशनल ए करते हैं तो वन फिफ्टी रुपीज पर ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज पर ट्रांजेक्शन फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको पे करना होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है या मर्चेंट आउटलेट या वेबसाइट के ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस मतलब बैलेंस कम है इसलिए आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है तो आपको ट्वेंटी फाइव रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने होंगे अगर आप कार्डलेस कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वन ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री है और उसके बाद आपको टेन रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा उसके बाद डीडी पे ऑर्डर और चेक बुक अगर आप यूज करते हैं तो टू पॉइंट फाइव रुपीज पर वन थाउजेंड इसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा और मिनिमम फिफ्टी रुपीज चार्ज है मैक्मम टेन थाउजेंड तक आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है अगर आप डी डी चेक चेक कलेक्शन रीवैलिडेशन कैंसलेशन करते हैं और अगर आप चेक डिपॉजिट होता है और रिटर्न आता है तो फाइव हंड्रेड रुपीज चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर अगर आपको एट पर चेक बुक चार्जेस जानना चाहते हैं तो रुपीज थ्री पर चेक लीफ आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे जो एट वन वन सिलेक्ट कस्टमर्स है उसके लिए नीच नील चार्जेस है फॉर फर्स्ट फाइव चेक लीव और उसके बाद रुपीज थ्री पर चेक लीव के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे मिनिमम ट्वेंटी फाइव लीव होते हैं एक चेक बुक में और आप मोबाइल बैंकिंग से रिक्वेस्ट कर सकते हो चेक बुक के लिए अगर आप ई सी एस चेक इशूड एंड रिटर्न आता है ड्यू टू इन बैलेंस और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज पर इंस्टेंस के हिसाब से पे करना है ईसीएस मैंडेट वेरीफिकेशन के लिए फिफ्टी रुपीज पर इंस्टेंस आपको पे करना है अगर आप एस आई फेल होता है तो हंड्रेड रुपीज पे करने होंगे और अगर आप चेक डिपॉजिट करते हैं और चेक रिटर्न आता है तो आपको हंड्रेड रुपीज पेनल्टी पे करनी होगी तो हम अदर चार्जेस देखते हैं अगर आप डुप्लीकेट एडहॉक स्टेटमेंट बैलेंस एंड इंटरेस्ट स्टेटमेंट फॉरेन इनवर्ट स्टेटमेंट डुप्लीकेट पासबुक टीडीएस सर्टिफिकेट यहाँ पे लेते हैं और आप स्टॉप पेमेंट करते हैं डी डी रिवेलिडेशन कैंसिलेशन एनुअल कंबाइन स्टेटमेंट लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब फिजिकल मंथली फिजिकल स्टेटमेंट आप लेते हैं तो इन सब के लिए आपको हंड्रेड रुपीज पर रिक्वेस्ट चार्ज पे करना होगा या सेपरेटली चार्ज करना होगा होगा मतलब डुप्लीकेट एड के लिए हंड्रेड रुपीज बैलेंस एंड इंटरेस्ट स्टेटमेंट के लिए हंड्रेड रुपीज ऐसा पे करना पड़ेगा अगर आप स्टेटमेंट एंड अलर्ट्स लेते हैं तो स्टेटमेंट के स्टेटमेंट uh, में ईमेल स्टेटमेंट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है पर अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो हंड्रेड रुपीज पर रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको पे करना होगा और यहाँ पे बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू एडेड अलर्ट्स के लिए आपको फिफ्टी पैसा पर एस एम एस डेली और वीकली के हिसाब से पे करना पड़ेगा अदर चार्जेस में टी ओडी चार्जेस आपको फाइव हंड्रेड रुपीज पे करने हैं और अगर आप चेक परचेस करते हैं तो चेक परचेस चार्जेस जीरो पॉइंट फाइव पर वन थाउजेंड रुपीज़ के हिसाब से देने पड़ेंगे और मिनिमम फिफ्टी रुपीज चार्ज है और अगर आप पिन जनरेशन या रि जनरेशन के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये कुरियर से भेजा जाता है और इसके लिए आपको हंड्रेड रुपीज पर रिक्वेस्ट के हिसाब से चार्जेस पे करने होंगे अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए आपके दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों यह हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब हम जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ धन्यवाद